La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. वाकये की बास तफसीलात तो वही हैं जो मैंने पिछले दर्स में आपसे बयान की कि शैतान ने आके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को, इन सब को बरगलाने की कोशिश की, इनको फितने में डालने की कोशिश की, लेकिन सब ने यही जवाब दिया कि हम जो है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म के आगे कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, इसी ज़मीन में एक रिवायत तो मैंने हज़रत काब की आपके सामने पिछले दर्स में पेश की थी, आज हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत पेश करता हूँ। उसमें बातें तो दरअसल सारी की सारी वही हैं जो पिछले दर्स में थी, कुछ इजाफे के साथ हैं कि एक तो ये कि हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने साहबजादे के ज़िबह करने का जब हुक्म दिया गया तो आपने अपने साहबजादे से फरमाया कि ए बेटे छुरी ले आओ। शैतान ने कहा कि यही वो वक्त है कि मैं आले इब्राहिम से अपनी हाजत को पहुंच सकता हूं। चुनांचे शैतान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इनके किसी दोस्त की शक्ल में मिला और कहा कि या इब्राहिम, कहाँ का इरादा है? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी काम से जा रहा हूं। शैतान ने कहा अल्लाह की कसम, आपने जो ख्वाब देखा है इसकी वजह से आप अपने बेटे को ज़िबह करने जा रहे हैं, जबकि ख्वाब का हाल यह है कि कभी गलत होता है तो कभी सही, तो और आपने जो ख्वाब देखा है इसमें कुछ फ़ायदा भी नहीं, आप इस्माईल को ज़िबह करें। जब शैतान मर्दूद ने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ज़रा बराबर ये फिसला नहीं सका तो वह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए गया और कहा कि या इस्माईल, आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किसी काम से जा रहा हूँ। शैतान ने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो तुम्हें ज़िबह करने के लिए लेके जा रहे हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनको मेरे ज़िबह से क्या फ़ायदा? फिर फरमाया क्या तूने किसी को देखा है कि जो अपने बेटे को ज़िबह करता हो? शैतान ने कहा वो तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िबह कर रहे हैं। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर ठीक है, अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी के लिए ज़िबह करने के लिए मैं राज़ी हूँ, मैं सब्र करूँगा, अल्लाह ताला इसके लायक है कि उसके लिए क़ुरबान हुआ जाए। जब शैतान ने देखा कि दोनों जगह पर बात नहीं बनती तो फिर वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा के पास गया और वहाँ जाकर उनसे कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम्हें पता है कि इस्माईल अलैहिस्सलाम को क्यों लिए जा रहे हैं? और फिर वो सारी बात हुई और उसके बाद वहाँ पर भी वो उनको कन्विंस ना कर सका। तो बहरहाल मुख्तसरन इस वाक़े को मैंने यहाँ पर इसलिए बयान किया क्योंकि अब अगले मुद्दे की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ जो पिछली रिवायत में मौजूद नहीं था, कि जब उसकी कहीं दाल ना गली तो शैतान ने कहा कि मैं इनके रास्ते में अब रुकावट डालूँगा। तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब के साथ एक फ़रिश्ता भी था और रिवायात में आता है कि वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही थे, तो जब ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी थे और जब ये जा रहे थे तो ये उक़बा जो है ना, जो आप जहाँ पर शैतान को कंकरी मारते हैं, ये वादी उक़बा है, तो वहाँ पर जब पहुँचे तो इस शैतान ने क्या किया कि वादी के रास्ते को बंद कर दिया कि ये आगे ना जा सकें। तो उस वक्त फरिश्ते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि या इब्राहीम, आप 7 कंकरियां मारिए। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को 7 कंकरियां मारी और हर कंकरी के बाद अल्लाहु अकबर कहा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता कुशादा हो गया। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम चल के दूसरे जमरा के पास पहुँचे, जिसको जमरा वुस्ता कहते हैं, तो शैतान ने गुस्से में फूल कर सारी वादी बंद कर दी। तो फरिश्ते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि या इब्राहीम, आप फिर 7 कंकरियाँ मारिए। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसे 7 कंकरियाँ मारी और हर कंकरी मारते वक्त अल्लाह अकबर कहा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता कुशादा हो गया। फिर जब आप चलकर तीसरे जमरे यानी जमरा उला के पास पहुंचे, तो उस वक्त भी शैतान ने गुस्से में फूल कर सारी वादी जो है वो बंद कर दी। फिर फरिश्ते ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि या इब्राहीम, फिर 7 कंकरियाँ मारिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर 7 कंकरियाँ मारी और हर कंकरी के बाद अल्लाह अकबर कहते। इस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए रास्ता कुशादा हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़ुरबानगाह तक पहुँच गए। इस रिवायत को इबन जरीर तबरी ने रिवायत किया है, इलावाजी इसको इबन अबी हातिम ने अपनी तफसीर इबन हातिम में रिवायत किया है। अच्छा, अब इस ज़िमन में एक और तफसील मैं आपको बता दूं कि जब ये जो कंकरियां मारने का हज के दौरान जो सिलसिला है वो इसी वजह से अरबों में ये चीज़ जो है वो कबल इस्लाम राइज थी कि वो इन 3 मुकामात पे
کنکریاں مارتے، اور یہی تین مقامات ہیں جہاں پہ جمرہ ہے۔ اچھا، جمرہ عقبہ کے بارے میں ہم سیرت النبوی میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہی مقام ہے جہاں پہ بیعت عقبہ ہوئی تھی۔ تو بیعت عقبہ او اولا، جو پہلی بیعت عقبہ تھی، اور بیعت عقبہ ثانی، جو دوسری بیعت عقبہ تھی، جہاں پہ مدینہ کے انصار حج کے زمانے میں مکے آئے تھے، اور یہاں پر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت فرمائی تھی۔ تو یہ جمرات ہی میں جمرہ عقبہ کا مقام تھا، جو پہلا شیطان ہے، اور اسی وادی میں وہ بیعت ہوئی تھی۔ تو ایک جو ہے روایت ہمارے پاس اس زمن میں یوں آتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت آتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا تو منا جاتے وقت شیطان آپ کے سامنے آ گیا اور آپ سے آگے بڑھنا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سبقت لے گئے، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو جمرہ عقبہ لے گئے، شیطان رکاوٹ بن کر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری اور آگے چل پڑے، پھر شیطان نے جمرہ وسطیٰ کے پاس آ کر رکاوٹ ڈالی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، یہاں تک کہ شیطان بھاگ گیا۔ تو یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس والی بڑی اختصار کے ساتھ ہے۔ اس کو بھی ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، جیسا کہ پچھلی روایت کو انہوں نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس روایت کو ابن مردویہ نے بھی روایت کیا ہے، اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں بھی روایت کیا ہے۔